आज के लेक्चर में हम ड्राइव टेबल्स को स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने टेम्पररी टेबल को स्टडी किया था, तो बेसिकली टेम्पररी टेबल जो है वो डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट विल क्रिएटेड ओनली दैट सेशन, सिर्फ उस सेशन के लिए क्रिएट होगा जिस सेशन में आप यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज वो जैसे ही सेशन क्लोज होगा वो टेम्पररी टेबल भी जो है वो डिलीट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ड्राइव टेबल भी जो है, इसको ड्राइव टेबल को सम टाइम हम वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, और ड्राइव टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड वर्चुअल टेबल। तो बेसिकली ड्राइव टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और यूज़ किया जाता है, तो आ ड्राइव टेबल इज़ बेसिकली सब क्यूरी अपार्ट फ्रॉम इट इज ऑलवेज इन फ्रॉम क्लास ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ड्राइव टेबल जो है बेसिकली सब क्यूरी ही है एक तरह की, जिसमें हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के फ्रॉम क्लास के अंदर जो है हम इसको क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड, वर्चुअल टेबल रिटर्न फ्रॉम सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो वर्चुअल टेबल रिटर्न होगा वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो रिटर्न होगा। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो नोट करने वाली, अ ड्राइव टेबल ओनली एग्जिस्ट इन क्यूरी इन विच इट इज़ क्रिएटेड। ये जो टेबल आपका ड्राइव टेबल होगा, ये बेसिकली जिस क्यूरी में आप इसको क्रिएट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसी के ही अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा ये आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होगा अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। और ड्राइव टेबल इज़ सिमिलर टू टेम्पररी टेबल, ये भी टेम्पररी टेबल की तरह, इंस्टेड ऑफ टेम्पररी टेबल ड्राइव टेबल इन सेलेक्ट स्टेटमेंट इज मच सिंपलर देन द टेम्पररी टेबल। तो जो ड्राइव टेबल है ये टेम्पररी टेबल से ज़्यादा मच सिंपलर है इसको क्रिएट करना। वो कैसे? बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर्ड द स्टेप ऑफ क्रिएटिंग अ ड्राइव टेबल। जिस तरह टेम्पररी टेबल को हम क्रिएट टेम्पररी टेबल की कमांड के थ्रू उसको क्रिएट करते हैं, उसके फील्ड स्पेसिफाई करते हैं, तो ड्राइव टेबल के अंदर हमें जो है ये स्टेप रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी कि हम जो क्रिएटिंग स्टेप होते हैं किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए, वो ड्राइव टेबल के अंदर हम यूज़ नहीं करते। हम जस्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है हम सब क्यूरी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं उस ड्राइव टेबल को, और उस ड्राइव टेबल ने क्रिएट होना है। वो कैसे क्रिएट होता है वो हम देखते हैं। देयरफॉर ड्राइव टेबल विल नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस स्कीमा, बट बिकॉज दीज आर नॉट रियल टेबल्स। क्योंकि ये वर्चुअल टेबल होते हैं, रियल में इनकी एग्जिस्टेंस होती नहीं है, लिहाजा अगर आप शो टेबल्स की कमांड यूज़ करेंगे तो आपको डेटाबेस स्कीमा के अंदर ड्राइव टेबल जो है वो लिस्ट के अंदर शो नहीं होगा। जस्ट लाइक सेम जिस तरह टेम्पररी टेबल की एग्जांपल में मैंने आपको शो टेबल्स की कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाई थी, तो टेम्पररी टेबल जो हमने क्रिएट किया था वो विजिबल नहीं था। इसी तरह ड्राइव टेबल भी जो है वो डेटाबेस स्कीमा में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये रियल टेबल है ही नहीं, दैट इज़ वर्चुअल टेबल। तो इसका सिंटेक्स जो है इसको क्रिएट करने का, सेलेक्ट कॉलम्स जो आप स्पेसिफाई करेंगे, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स, फ्रॉम कीवर्ड है। अब यहाँ फ्रॉम में जो है हम फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और फिर उसके कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं फ्रॉम, और फिर उसके बाद आप टेबल बताएंगे जो टेबल आपने जिसमें से डाटा रिट्रीव करना है, और ब्रैकेट पैरेंथेसिस जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो फिर आप यहाँ पे ड्राइव टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, जिसे एलियस भी कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये हमारा ड्राइव टेबल है जो आप ड्राइव टेबल क्रिएट करेंगे, यानी कि जो रिकॉर्ड सेट रिटर्न होंगे वो इस ड्राइव टेबल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे जो इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए रिटर्न होंगे। और ये एलियस जो है बेसिकली ये लाजमी है, अगर आप ये एलियस नहीं रखेंगे तो MySQL जो है वो एरर जनरेट करेगा। सो ये एलियस मस्ट बी अ डिफाइंड फॉर ड्राइव टेबल, अदरवाइज MySQL विल जनरेट द एरर। द टर्म ड्राइव टेबल एंड सब क्यूरी इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल, मोस्टली अक्सर जो बेशतर जो है ये इंटरचेंज है। ड्राइव टेबल और सब क्यूरी एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं या अल्टरनेट यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल हैव कन्विजन दैट बोथ ड्राइव टेबल एंड सब क्यूरी आर सेम। और अक्सर लोगों के को कन्फ्यूजन भी है कि दोनों सेम चीज़ें हैं या सेम थिंग्स हैं, बट देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन इनके दरमियान में डिफरेंस है। ड्राइव टेबल इज समथिंग एल्स और सब क्यूरी इज समथिंग एल्स। सो ड्राइव टेबल इज़ अ टेक्निक फॉर क्रिएटिंग है
temporary set of record which can be used within an other query in SQL. So basically use iska kis liye, kis purpose ke liye use karte hain, question is that drive table. To drive table basically ek technique hai jo temporary record set generate karta hai aur jo ke hum ek aur SQL ki query ke andar use karenge. Jis tarah humne sub query ke andar ek record set jo retrieve hota tha sub query ke through inner query ke zariye, wo phir outer query use karta tha. Isi tarah yahan pe bhi आपका जो रिकॉर्ड सेट रिटर्न होगा फ्रॉम क्लास के बाद जो आपने क्यूरी स्पेसिफाई की हुई है जो ड्राइव टेबल के थ्रू रिटर्न होगी वो बेसिकली आउटर क्यूरी उसको यूज करेगा. यू कैन आल्सो यूज अ ड्राइव टेबल टू शॉर्टन द लॉन्ग क्यूरी. लॉन्ग क्यूरीज हैं, लंबी क्यूरीज हैं, उनको शॉर्ट करने के लिए ड्राइव टेबल यूज हो सकता है. और इवन जस्ट टू ब्रेक अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इनटू अ लॉजिकल स्टेप्स. अगर आपकी क्यूरीज कम्प्लेक्स होती जा रही हैं तो आप जो है ड्राइव टेबल के जरिए जो है वर्चुअल टेबल के जरिए जो है इन स्टेप्स को जो है वो ईजी कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि आपका जो कम्प्लेक्स टास्क है दैट बिकम ईजी. तो ड्राइव टेबल्स आर क्यूरीज दैट आर इनकॉर्पोरेट सम सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग. तो बेसिकली बाज ऑफ आर ड्राइव टेबल्स जो है वो ग्रुपिंग के लिए भी यूज होता है. जस्ट लाइक हमने ग्रुप बाई की क्लास यूज की थी तो उसी तरह आप ड्राइव टेबल्स को भी यूज करते हैं. हम ये एग्जाम्पल अभी देखते हैं प्रैक्टिकली और उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह इनको सब क्यूरी और ड्राइव टेबल में जो डिफरेंस है. बेसिकली ड्राइव टेबल्स जो है वो फ्रॉम क्लास में सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए क्रिएट किया जाते हैं. जब सब क्यूरी जो है वो अगर हमने यूज़ करनी हो तो हम वेयर क्लास में सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सब क्यूरी एंड ड्राइव टेबल. लेट्स सी के अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि ड्राइव टेबल किस तरह क्रिएट होते हैं और किस पर्पज़ के लिए होते हैं. ये जी हमारे पास एक टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का. इसके हम रिकॉर्ड अगर देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, बर्थडे, लास्ट नेम है, हायर डेट है, सैलरी है और ये उसके डेजिनेशंस हैं. तो बेसिकली अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सैलरीज हैं ये बेसिकली सम हो जाएं और सम किस तरह हो, डेजिनेशंस के ऊपर हो. जितनी डेजिनेशन हो उनकी सैलरी सम अप हो जाए और उन सैलरीज का डेजिनेशन वाइज सम होने के बाद उसकी एवरेज कैलकुलेट हो जाए. तो बेसिकली यहाँ पर दो टास्क हैं, एक सम होना और एक एवरेज. और ग्रुपिंग भी हो रही है यानी कि सेल रिप्रेजेंटेटिव जितने उनकी एक तरफ सैलरी सम अप हो, इसी तरह क्लर्क की सैलरी, मैनेजर्स की और फिर उनकी सैलरी सम अप होने के बाद टोटल जितने भी डेजिनेशन की सैलरी सम अप हुई है उनका जो है वो एवरेज कैलकुलेट करें. तो बेसिकली यहाँ पे हम ड्राइव टेबल को यूज़ करेंगे. सेलेक्ट एवरेज सैलरी हमने फ्रॉम, यहाँ पे अब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट फिर यूज़ कर रहे हैं. सेलेक्ट डेजिनेशन जी सम करें किस कॉलम को, सैलरी के कॉलम को एज ये एलियस हम डिफाइन कर रहे हैं. फ्रॉम कौन सा टेबल है, टेबल का नाम एम्प्लॉयज है जी. और ग्रुप बाय हम कर रहे हैं किसके ऊपर कर रहे हैं, ग्रुप बाय डेजिनेशन के ऊपर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और ये पैरेंथेसिस क्लोज होगी और साथ एज टोटल्स. ये बेसिकली एलियस जो है बेसिकली ड्राइव टेबल का नाम हमने रखा है टोटल्स, दैट इज़ ड्राइव टेबल नेम. और ये हम ड्राइव टेबल जनरेट कर रहे हैं यानी कि डेजिनेशन सेलेक्ट करें और उनकी ग्रुपिंग करें डेजिनेशन के ऊपर और उनकी सैलरी को सम अप करें और एलियस हमने उसको डिफाइन किया है. तो जो सम अप सैलरी होंगी जितने भी डेजिनेशंस होंगे उनके बाद जो रिजल्ट इस ग्रुप सेट रिकॉर्ड सेट में से रिट्रीव और रिटर्न होगा उसकी तमाम की एवरेज कैलकुलेट करेगा सैलरी की. लेट्स सी कि हमारे पास ये एवरेज कैलकुलेट हुई है. अगर हम इस एग्जांपल को जो है इस क्यूरी को अगर हम ब्रेक करके चलाएं और सिर्फ हम वो पार्ट चलाएं जिस पार्ट में इनर ड्राइव टेबल रिट्रीव हो रहा है तो ये इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास आपके सामने है कि हर डेजिनेशन की उसने सैलरी को सम अप किया है. तो ये सैलरी चार सैलरीज को उसने सम अप करके इसका एवरेज एज जो कैलकुलेट किया 177800 कैलकुलेट हुआ है. यानी कि पहले उसने सम कैलकुलेट किया, ये एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्यूरी हो गई थी, लेंथी हो गई थी तो उसको हमने ड्राइव टेबल के ज़रिए जो है वो हैंडल किया. तो बेसिकली सम किया तमाम डेजिनेशंस का. अगर इसको हम वैसे नॉर्मली करते तो और लेंथी हो जानी थी. तो बेसिकली उसने सम अप करने के बाद उन चारों सैलरी का एवरेज कैलकुलेट किया. और अगर आप वैसे जो है
एवरेज कैलकुलेट करके देखें सैलरी कॉलम की फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल में से, तो इसकी एवरेज जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये देखें 71120, ये इट्स मीन कि उसने ये तमाम सैलरीज को सम अप किया है। अब ग्रुपिंग नहीं है, सम अप की करने के बाद उसने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो हमारे पास ये जो है 71120 जो है वो रिटर्न हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि डेजिग्नेशन वाइज जो है पहले उनको सम अप करें और फिर उन डेजिग्नेशन के वाइज सम अप होने के बाद उनकी एवरेज कैलकुलेट करें। सो दैट इज़ ड्राइव टेबल। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एलियस भी डिफाइन किया था और ये जो है रिजल्ट जो रिकॉर्ड सेट रिट्रीव होगा ये हमारा ड्राइव टेबल था।